गुरु जी सादर चरण वंदन जी, खुश हम आजमगढ़ से आए हुए हैं। गुरु जी हार्दिक प्रसन्नता हो रही। मेरे मन में एक प्रश्न है, ये सर गुरु जी की जैसे हम मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हमारे मन के सारे भाव खत्म हो जाते हैं। जैसे रास्ते में कुत्ता जा रहा हम उसको ईंटा मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, तो क्या हमारी पूजा मानी जानी चाहिए या फिर हमारी पूजा वो है कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं लेकिन हम सबके लिए बेहतर करते रहें, पहला। और गुरु जी एक दूसरा मतलब मेरे मन का एक चिंता है कि जैसे मैं किसी को परेशान देख लेता हूँ और मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, विद्यार्थी जीवन है मेरा, या कोई बच्चा मेरे के आता है और मैं उनको ट्यूशन देता हूँ तो कभी उनको मैं फीस नहीं ले पाता हूँ, मतलब लेना नहीं चाहता हूँ, तब भी मेरे घर वाले या मेरे कुछ मित्र इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि ये फ्री में पढ़ा रहे हैं। और फिर जब मैं किसी को मतलब कोई अंधा है मतलब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान उनको किसी तरह से बेकार कर दिए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो जब मैं घर पे जाता हूँ उसी चीज़ को सोचता हूँ तो मुझको बहुत घबराहट होती है, सीने में दर्द होने लगता है। मम्मी हमारी डॉक्टर को बुला लाती हैं जबकि मैं बता भी नहीं पाता हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ी चिंता है। फ्री में पढ़ाते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो विद्या दान करना सबसे बड़ा धर्म है। तो ये गुरु जी मतलब ये समस्या आध्यात्मिक है ना, तो इसको चिकित्सकीय रूप से हमारे घर वाले ट्रीट करते हैं। नहीं नहीं चिकित्सीय नहीं, चल चक्कर में ना पड़ जाना, साइड इफेक्ट हो जाएगा दवाइयों का। बस यही गुरु जी यही एक समस्या हमारी। ऐसा है कि मंदिर जाओ तो वहाँ पॉजिटिविटी होती है, बाहर आओ तो फिर वो नकारात्मकता नेगेटिविटी आ जाती है। नहीं तो जैसे बाहर आते हैं गुरु जी ना, तो ये लोगों को बदतमीजी करते हुए जानवर को मार दिए, आराम से बैठा हुआ है। मंदिर है, मंदिर सबका है, हमारा है, आपका सबका है, जीवों का भी है। सही वहाँ पे कोई जानवर बैठा हुआ होता है लोग उसको मार देते हैं लेकिन मनुष्य को अंदर जाने देते हैं। सही है, जबकि मनुष्य के अंदर जानवर से ज्यादा बुरे भाव भरे हुए हैं, तो जानवर तो ज्यादा। ये लोगों की गलत आदत है कि कुत्ता कहीं बैठा हो तो लोग उसको मार देते हैं। जी वो चिंता ना करो, जो मार रहे हैं वो अगले जन्म में वो खुद कुत्ता जरूर बनेंगे। जी गुरु जी बात सुन ले। गुरु जी राधे राधे। अगर मन अशांत हो और पूजा में ना लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, मन मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न नहीं है। मतलब पूजा तो करते हैं सुबह शाम, दीपक भी जलाते हैं, माला भी करते हैं, पर थोड़ा मन इधर उधर भागता रहता है। भगवान से प्रेम कीजिए, केवल प्रेम ही भक्ति है, मन भटकता ही है सबका, मन को लगाना पड़ेगा। सुई के छेद में धागा अपने आप चला जाता है कि डालना पड़ता है? डालना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे धागे को सुई के छेद में सावधानी से डालना पड़ता है, उसी प्रकार मन भगवान के चरणों में सावधानी से लगाना पड़ता है। लगेगा नहीं, अपने से धागा सुई में नहीं जाता, करने से होता है। अपने से रोटी बन जाती है, अपने से भोजन बन जाता है, बनाना पड़ता है। उसी तरह करने से होता है, मन को भी लगाने से लगेगा।